है, बाकी कोई मालिक नहीं होता है, जनता ही जनार्दन होती है और उसको उसी भाव के साथ हम लोग उसके लिए बनाए गए योजनाओं का लाभ उसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, कोई सोचता था कि लोगों को हर घर नल की योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था कि एक एक व्यक्ति को, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा? आज तो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आह्वान करने के लिए कि आकाश सक्सेना एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, यहां पर गरीबों के लिए, दलितों पर, कमजोर लोगों पर, किसी भी जाति मजहब का रहने वाला कोई पीड़ित रहा हो, आकाश सक्सेना सदैव उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और एक सच्चे नागरिक का यही दायित्व तो होना चाहिए, अगर अन्याय कहीं पड़ा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। और भाइयों बहनों, उस आवाज को उठाने के लिए से आकाश सक्सेना लगातार काम करते रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों की सहमति से, हमारे पास अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन एक सहमति बनी कि आगे आकाश सक्सेना को एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि जनता विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति लड़ा है, एक प्रतिष्ठित परिवार का है, अपना खर्च करके लगातार इस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ रहा है। और वह आज फिर से जब उपचुनाव की नौबत रामपुर के ऊपर आई गई है तो उन्हें एक अवसर और मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है, जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मुझे तो कहूंगा मैं उनसे कि वे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से क्यों बेकार जनता के सामने आकर के जनता को क्यों अनावश्यक रूप से, अगर ये संवेदनशीलता सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाई होती, यहाँ के ईमानदारी से विकास में रुचि ली होती, यहाँ के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करवाने की बजाय यहाँ के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व तो अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे, किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए, और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है। जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है, और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को सी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती, लेकिन जनता भी जानती है कि सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं, सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनकी आदत गलत हो चुकी होती है उनको सुधरने में भी मुझे लगता है कि बहुत समय लगता है और वक्त सबको सुधार लेता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका अपील करने के लिए आया हूं कि आकाश सक्सेना आपके बीच में रहकर के कार्य करेंगे, आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ मिलकर के यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के उद्यमियों, यहाँ के हस्तशिल्पियों, यहाँ के कारीगरों,
को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का काम करेंगे, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास ही परिवर्तन का कारक बनेगा, विकास ही हम सबके जीवन को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाएगा, विकास ही रोजगार का सृजन करेगा, हमारे इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने का कार्य करेगा। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक बार रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजिए भाइयों बहनों, विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी आपकी लेगी। और विकास के मामले में आप भी देखेंगे कि जो कार्य यहां पर बहुत पहले होने चाहिए थे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर वे कार्य प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए विकास की एक नई प्रक्रिया और एक नई बहार के साथ रामपुर आगे बढ़ेगा। मेरी आप सबसे अपील होगी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में बार बार उपचुनाव से मुक्ति मिले, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।